हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम सी ऑल योर ओन कोडिंग चैनल कोड ट्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टू वॉच द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है, जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की टेक्निक। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। ये मेनली फाइंड आउट करी जाती है सर्कुलर क्यूज को फाइंड आउट करने में, या फिर जैसे यहाँ पे कनेक्शन है ना, हाँ ये लूप्स है, इन लूप्स को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा यूजेबल टेक्निक है, और सिर्फ वही एक टेक्निक है जिनसे अपन इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्लो एंड फास्ट की टेक्निक को थोड़ा सा सोचो और ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, उसमें थोड़ी सी स्लाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इसको हमेशा फर्स्ट नोड ही चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि जैसे हो सकता है कि स्लो एंड फास्ट से अपन लूप तो फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ बड़े आराम से लूप तो आ गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट कैसे आएगा उसको थोड़ा सा सोचना। अगर स्लो एंड फास्ट हो सकता है कि कभी कभी इसी पे आ जाए, कभी कभार हो सकता है बीच में भी आए, इन बिटवीन कभी कभार हो सकता है लास्ट नोड पे भी आए, तो आपको उसको फर्स्ट नोड पे कैसे लेके आना है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और इजीली क्रैकेबल है। उसके बाद ऐसा थोड़ा सा सोचना कि जहाँ पे वो मैच कर रहे हो, जस्ट लाइक यहाँ पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गए, इसका मतलब लूप तो मिल गया। इसके बाद में क्या करो, ए पॉइंटर को तो यहीं पे रखो और ए पॉइंटर को आपको कहीं और से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आप सोचो कहाँ से स्टार्ट करोगे कि वापस ये जब मीट करे तब इसी पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो देखो समझे यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक ऐसा कुछ लूप दिया हुआ होगा आपको, जरूरी नहीं है हर बार लूप दिया हुआ हो सकता है लूप है, हो सकता है नहीं है। अगर लूप है तो अपने को क्या करना है, जहां पे ये लूप स्टार्ट हो रहा है ना, इसका फर्स्ट नोड उसको अपने को आंसर में रिटर्न करवाना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। दोबारा समझो कि हो सकता है आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है, हो सकता है उसमें लूप हो सकता है 5 का कनेक्शन वापस ये 3 से हो रहा हो, और हो सकता है ना भी हो रहा हो। ठीक है, तो अगर हो रहा है तो आपको क्या रिटर्न करना है कि कहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, मतलब इसकी फर्स्ट नोड कौन सी है लूप की। समझ में आ गया? बोला हाँ। बस अब इसको क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करोगे, क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक करो। दो पार्ट्स में कैसे, एक पार्ट में तो क्या करो, पहले ये फाइंड आउट करो कि क्या इसमें लूप प्रेजेंट भी है या नहीं। पहले ये पता लगना जरूरी है ना कि लूप प्रेजेंट भी है या नहीं। बोला हाँ, और अगर पता चल गया कि लूप है, ठीक है, तब तो उसको अपन अलग तरीके से टैकल करेंगे, और अगर ऐसा लगा कि नहीं लूप है ही नहीं, तो फिर तो सीधा सिंपल आंसर है -1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अगर लूप है तो क्या होगा, मतलब जहां पे अपने को सेम पॉइंट मिला है, जहां पे अपना स्लो एंड फास्ट पॉइंटर सेम जगह पे आ गया, वहां से अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखो अप्रोच कैसे करेंगे, देखो एक बहुत ही फेमस टेक्निक है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की टेक्निक। ये टेक्निक क्या है इसको समझते हैं अपन बड़े आराम से। कोई ज्यादा टिपिकल टेक्निक नहीं है, बहुत ही इजी टेक्निक है। ये टेक्निक क्या बोलती है, इस टेक्निक में ऐसा होता है कि एक पॉइंटर अपन बोल देते हैं स्लो, ठीक है, बस एक पॉइंटर है उसका नेमिंग करी अपने, ठीक है, स्लो के नाम से, और कुछ नहीं है। और एक है अपना फास्ट, ठीक है, ये इनबिल्ड कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा मत मानना, स्लो एंड फास्ट कुछ भी ले सकते हो, एसएफ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जो अपना स्लो पॉइंटर है ना उसको तो अपन क्या बोलेंगे, बोला इसको सिर्फ अपन एक पॉइंट मूव करवाएंगे, ठीक है, मतलब यहां से नेक्स्ट पे मूव करेंगे, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फास्ट है ना उससे अपन दो पॉइंट्स को मूव कराते हैं, मतलब सीधा फर्स्ट पे इनिशियली फास्ट पॉइंटर अपना यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, इस वाले पॉइंट को नोट करा था, अब इसको सीधा पॉइंट करेगा, ठीक है, अब इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। बोला बहुत ही बढ़िया, तो अब अपना फास्ट आ गया यहाँ पे, हाँ, और स्लो कहाँ पे है, स्लो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बोला वापस अगेन भाई कि अब अपना स्लो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। बोला ठीक है, तो स्लो यहाँ पे आ गया और अपना फास्ट पॉइंटर कहाँ पे पहुंच गया, बोला फास्ट पॉइंटर अपना यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इससे हुआ क्या, देखो इसको ध्यान से समझो, जब अपना जो फास्ट पॉइंटर था वो लास्ट में पहुंच गया, ठीक है, इस पूरी लिंक लिस्ट के लास्ट में पहुंचा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो स्लो पॉइंटर था ना वो कहाँ पे था, इन बिटवीन था, ठीक है। हाँ, तो इसको इस वाली टेक्निक को अपन इसलिए भी यूज कर लेते हैं कि अगर कभी अपने को बिटवीन नोड जो फाइंड आउट करनी है ना उसके लिए भी, कि अपना जो फास्ट पॉइंटर है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, तो अगर लास्ट में फास्ट पॉइंटर पहुंच चुका है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो स्लो पॉइंटर है वो हमेशा बिटवीन में रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो अब अपना फास्ट यहाँ पे पहुंच चुका है, स्लो यहाँ पे पहुंच चुका है, अब अपन फास्ट को और आगे मूव करेंगे, तो फर्स्ट और आगे कहाँ मूव करेगा, बोला उसके नेक्स्ट नोड ये थी और उसकी नेक्स्ट नोड ये थी, मतलब फास्ट पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना स्लो पॉइंटर कहाँ पे गया, बोला इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। फिर अपना जो फास्ट पॉइंटर है जो यहाँ पे आ चुका था वो वापस मूव करेगा और वो यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, और स्लो पॉइंटर भी कहाँ पे पहुंच चुका है, बोला स्लो पॉइंटर भी यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों पॉइंटर सेम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्लो और फास्ट दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फास्ट तो अपना दो दो स्टेप्स ले रहा था और स्लो अपना एक एक स्टेप ले रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये तभी पॉसिबल था ना जब यहाँ पे लूप प्रेजेंट हो। बोला हाँ, ये बात क्लियर हो गई।
तो अपने को ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि यहाँ पे लूप प्रेजेंट है। तो जब भी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अगर मैच हो गए, मतलब एक एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच गए, एक जगह पहुंच गए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपना लूप प्रेजेंट है, इतना अपन श्योर हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर। तो अपना लूप तो प्रेजेंट हो गया, अपन ने एक पार्ट तो कर लिया उसका। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर उसमें लूप प्रेजेंट है, ठीक है, और स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अपने एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, एक पॉइंट पे मिल चुके हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, फिर कोई सा भी एक पॉइंटर लो। सपोजिंगली मैं स्लो को तो यहीं पे छोड़ रहा हूँ और फास्ट को लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप वैसे वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने फास्ट को यहाँ पे लिया, फास्ट को किससे पॉइंट करा दिया, सीधा हेड से, ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो मैंने फास्ट को हेड से पॉइंट करवा दिया और अपना स्लो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, अब स्लो से भी एक पॉइंट आगे मूव करो, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेप चलना है, और फास्ट से भी सिर्फ एक ही स्टेप चलना है, ठीक है, अब दो स्टेप्स नहीं चलने हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपने को एक एक स्टेप चलना है, और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि अब दोबारा ये कहाँ पे मीट करेंगे, क्योंकि दोबारा जहाँ पे मीट करेंगे ना, वो होगा इसका स्टार्टिंग नोड, वहां से ये पूरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा होगा। कैसे भी है, यहाँ पे तो नेक्स्ट पे अगर अपन गए, जैसे स्लो एंड फास्ट जहाँ पे अपने को मीट किया था, ठीक है, उसके जैसे ही नेक्स्ट पे गए तो अभी अपन पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, फिर ये करने की जरूरत ही नहीं आती। बोले ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेकर देख लो, अगर इसमें भी वो टेक्निक काम करी होती तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो अपने को ये मूव करवाना ही पड़ेगा। देखो समझो यहाँ पे क्या होगा, स्लो एंड फास्ट अपना यहाँ पे था इनिशियली, हाँ बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, उसके बाद में अपना स्लो तो एक स्टेप मूव किया, यहाँ पे आया, ठीक है, और फास्ट कहाँ पे आ गया, बोला फास्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, फिर अपना जो स्लो है वो यहाँ पे आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात, और फास्ट कहाँ पे पहुंच गया, बोला फास्ट लास्ट में पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना, हाँ। उसके बाद में बोला फास्ट अब दो स्टेप चलेगा, तो फास्ट दो स्टेप चल के यहाँ पे पहुंचा, हाँ यहाँ पे पहुंचा, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम में अपना स्लो कहाँ पे पहुंचा, बोला स्लो भी यहाँ पे पहुंच गया, ओके हाँ। तो अब एक बात बताओ कि अगर अपन सिर्फ जो भी जहां पे भी ये मैट हुए हैं उसका अगर नेक्स्ट वाला पॉइंट अगर अपन आउट करवाएंगे तो क्या ये फर्स्ट पॉइंट है, बोला नहीं, ये तो फर्स्ट पॉइंट नहीं है। तो इसलिए फिर अपने को वही टेक्निक इसमें लगानी पड़ेगी, क्या कि फास्ट पॉइंटर को तो इनिशियलाइज कर दो यहाँ से स्टार्टिंग से, और स्लो अपना यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब स्लो को एक स्टेप मूव कराओ, बोला स्लो यहाँ पे आ चुका है और फास्ट अपना यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर अपना जो स्लो है वो वापस यहाँ पे आ चुका है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फास्ट भी अपना यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत, बोला नहीं, बस हो गया। ये अपने को वो मिल गया पॉइंट जहां से अपना क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है नोड की, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बोला है, बोला हाँ बस इसी को तो इम्प्लीमेंट करना है। वो समझे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ये फंक्शन था अपना, ठीक है, फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर आते ही अपने क्या बोला, बोला एक तो स्लो पॉइंटर बना दिया, हाँ, और एक फास्ट पॉइंटर बना दिया, और दोनों को इनिशियलाइज कहाँ से कराया, हेड से, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, हेड से इनिशियलाइज कराया, फिर अपन ने क्या बोला, बोला वाइल का लूप स्टार्ट किया, वाइल का लूप कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक स्टार्ट किया है, वाइल का लूप में अपन ने ये कंडीशन डाली है कि जब तक फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता रहे, और साथ ही साथ में फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता रहे। ऐसा क्यों बोला भैया अपन ने, देखो अपन ने ऐसा बोला कि 1 2 3 4, ऐसा मान लो ये चार कनेक्शन है, ठीक है, हाँ ये चार नोड्स थी। अब इसमें अपन ने क्या बोला, बोला स्टार्टिंग में अपन ने फास्ट को भी इससे डिनोट कराया हेड से, और स्लो को भी इसी से डिनोट कराया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, बोला फास्ट का पहले तो नेक्स्ट वाला एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो यहाँ पे तो क्या स्लो मूव कर जाएगा, लेकिन फास्ट को तो मूव कहाँ पे कराना है, यहाँ पे, तो इसका भी एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही बात, हाँ। तो अपन ने बोला कि इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर नेक्स्ट कर रहा है तो उसके बाद में चेक करो कि क्या नेक्स्ट का नेक्स्ट भी कर रहा है क्या, अगर नेक्स्ट का नेक्स्ट भी कर रहा है तो ये अपन मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने चेक किया है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपने क्या करो, स्लो पॉइंटर को तो नेक्स्ट पे मूव करा दो, और फास्ट को किस पे करो, फास्ट के नेक्स्ट पे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अगर ये दोनों अपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जगह मैट हो गए हैं, मतलब फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको क्या करा दो, कंडीशन को ब्रेक, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, अब इस व्हाइल के लूप से बाहर आ चुके हैं, अब व्हाइल के लूप से बाहर आओगे तो दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो अपना क्या हो, फास्ट और स्लो एक ही पॉइंट को पॉइंट कर रहा हो, हाँ, और या फिर क्या हो सकता है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपना जो फास्ट पॉइंटर है और जो स्लो पॉइंटर है वो एक पॉइंट को नोड मैच नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपन क्या बोल देंगे, बोला रिटर्न करा दो -1, मतलब कि ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पे कि लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अपना लूप तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब लूप को फाइंड आउट कैसे करेंगे, बोला अपन एक काम करते हैं, जो स्लो है उसको हेड से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, बोला एक ही है, स्लो को स्टार्ट करो चाहे हेड से चाहे फास्ट को स्टार्ट करो। ठीक है, तो अपन ने स्लो को कहाँ से स्टार्ट किया, स्लो को तो इनिशियलाइज कर दिया हेड से, और फास्ट अपना वहां पे था ही। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जब तक आप स्लो और फास्ट अपने एक पॉइंट पे रीच नहीं कर जाते तब तक बस स्लो को चलाते रहो और फास्ट को भी चलाते रहो। ठीक है, तो स्लो को अपन नेक्स्ट पे मूव किया और फास्ट को भी अपन ने नेक्स्ट में मूव किया, फिर जहां पे दोनों सेम नोड को पॉइंट करने लग जाएंगे वहां पे अपन क्या करा देंगे, रिटर्न।
ठीक है, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।